नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, पुराणों में एकादशी का महत्व सभी व्रतों में सबसे ज्यादा बताए हैं। इस व्रत को रखने से ब्राह्मण हत्या जैसे महाभयानक पाप भी मिट जाते हैं। एकादशी को विष्णु जी का कृपा प्राप्त करने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय, जो कि आज निर्जला एकादशी है, आज के समय है। स्वयं भगवान विष्णु जी कहते हैं कि मैं व्रत उपवास से जितना ज्यादा प्रसन्न नहीं होता, उससे जल्दी यानी कि तुरंत गौ माता को यानी कि गाय को यह चीज खिला देने से प्रसन्न हो जाता हूँ। जो लोग गौ को यह चीज खिलाते हैं, उन्हें उपवास व्रत रखने की जरूरत नहीं है, केवल इस चीज को खिला देने से संपूर्ण उपवास व्रत का फल उन्हें मिल जाता है, जो कि अभी मैं वीडियो में बताऊंगा। मित्रों, आज निर्जला एकादशी है, आज भगवान विष्णु जी का कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय है। गौ माता का कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय है। गौ माता को लक्ष्मी बताए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी गौ माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह उपाय अवश्य करें। आज शाम और कल सुबह व्रत खोलने से पहले गाय को यह चीज खिला देने से जन्म जन्मांतर की आपकी गरीबी मिट जाएंगे। तो यह जानकारी बताने से पहले, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपके हर कदम में मार्गदर्शन करने लगते हैं, आपके कदम कदम पे सहायता करने लगते हैं। हमारा एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो आपको आज शाम और कल सुबह गाय को गुड़, चने और घी में बना गेहूं का रोटी अवश्य खिलाना है। अगर रोटी नहीं बना सकते स्वयं, तो दूसरे को बनाने के लिए बोल दीजिए घर में, और इसे बनवा करके आप जो है गुड़, चने और घी में बना हुआ गेहूं का रोटी गाय को खिला देना। सात जन्मों का गरीबी दोस्तों आज के दिन और कल सुबह व्रत खुलने से पहले किए गए उपाय से मिट जाएंगे। फिर कभी भी जिंदगी भर आपको धन की कमी नहीं होगा, पूरे जिंदगी ऐशो आराम में बीतेगा, क्योंकि आज जो है भगवान विष्णु जी और माँ गौ माता की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय है। जो लोग उपवास नहीं रखें, अगर वो लोग चाहते हैं कि उन्हें भी आज की जो निर्जला एकादशी इनके फल प्राप्त हो जाए, तो वो लोग भी यह उपाय कर सकते हैं, अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा सकते हैं। ऐसा पवित्र समय बार बार नहीं आने वाला, ऐसा पवित्र समय हाथ से ना जाने दे। आज की इस वीडियो में बताए गए उपाय को करें, आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएंगे। और हाँ, एक बात अवश्य बोलना चाहूँगा, गौ माता के लिए सच्चे हिंदू हो तो कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिखना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।